इंदौर मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम का 2 मई का दिव्य दरबार और श्री भगवत कथा। जी हाँ, सही आपने सुना। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं हरिराम बात करेंगे कि बागेश्वर धाम के पंडित हैं के शास्त्री जो है 2 मई को बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार इंदौर में लगाएगा। और ये इंदौर में बाबा की जिस तरीके से दिव्य दरबार लाखों की संख्या में भक्त पहुँचेंगे, उनमें उन भक्तों का पर्चा पर जो पूरा लिख लेंगे उनका पत्र, और उसके बाद जो है बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित हरिके शास्त्री दिव्य दरबार में मौजूद उन भक्तों का पर्चा निकालेंगे जिनको मजबूरी और प्रॉब्लम, जिनको दिक्कत और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो बाबा बागेश्वर धाम के तरफ से यह पर्चा निकाला जाएगा जिसमें लाखों भक्तों का जो है मन की बात और उनके प्रॉब्लम, दिक्कत क्या होती है वो आपको बताया जाएगा। दिव्य दरबार में अगर बात करें तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित हरिके शास्त्री बताई गई है कि सुबह 10 बजे से 2 मई को बाबा की जो है दिव्य दरबार चालू हो जाएगा और दोपहर 2 बजे तक लगेगा। वहीं 2 से 3 घंटा विश्राम करेंगे, फिर 4 बजे से श्री भगवत कथा लगेगा इंदौर में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, इससे पहले मैं आपको बताया था कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित हरिके शास्त्री जो मध्य प्रदेश के इंदौर में 7 दिन का जो भगवत कथा लगने जा रहा है, उसमें अलग अलग जो है भगवत और सनातन धर्म के लोग वहां पहुंचेंगे और भगवत कथा कोई कहेंगे, एक श्रीराम कथा और हनुमंत कथा कहेंगे। इस बीच में बाबा के 1 दिन का दिव्य दरबार भी बताई गई है हरिके शास्त्री का, जो लगेगा। उसमें लाखों भक्त जो पहुंचते हैं, उसमें कोई ऐसा गिने चुने भक्त जो होते हैं उनका दिव्य दरबार में उनको पर्चा बनता है, उस पर्चे में उनकी बात और उनकी दुख जो होती है वो निकल कर आती है और वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बालाजी महाराज की तरफ से पंडित हरिके शास्त्री के द्वारा कहे जाने के बाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।